बहुत शुक्रिया स्कूल की जो ऑक्सब्रिज स्कूल है इसकी इंतज़ामिया का, जो राना अंदान साहब और राना इरफान साहब कि इन्होंने इतनी शानदार तकरीब में हमें बुलाया। स्पेशली जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, हमारी यूथ है, मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपना स्कूल याद आ गया देखकर कि कभी हम भी इसी तरीके से बैठे होते थे और हमारे स्कूल में जो है वो कुछ सेलिब्रिटीज आते थे सम टाइम और आके अवार्ड मिलते थे। मेरे वो स्कूल के अवार्ड आज भी मेरे पास मौजूद हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक तालीम जो है ये एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी ज़रूरत है कि डायमंड डायमंड तब बनता है कि जब उसको तराशा जाए, वरना वो एक पत्थर की हैसियत रखता है, एक पत्थर की कीमत होती है। और तालीम जो है, इल्म जो है, वो एक डायमंड को जिस तरह तराशा जाता है, इल्म इस तरह से हमें तराश कर हमें फहम देती है, हमें दुनिया की मालूमात हासिल होती हैं, हमें रहन सहन लोगों से, जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सेनेटर वकार मेहदी साहब ने यहाँ पर बताया कि तालीम के साथ साथ तरबियत ये भी बहुत मायने रखती है। और जिस स्कूल में तालीम के साथ साथ तरबियत को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उस स्कूल से वाकई ऐसे बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह कि वो कल जहाँ पर आज हम खड़े हैं, कल वो हमारी जगह पर खड़े होंगे और इस मुल्क की कमान संभालेंगे। और इंशाल्लाह हमें उन पर फ़ख्र महसूस होगा कि कल को ये बच्चों को हमने अवार्ड दिए थे, ये बच्चों ने हमारे हाथों से शील्ड ली थी और ये बच्चे ऑक्सब्रिज स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ इंतज़ामिया का कि हम वैसे हर तरह के सियासी प्रोग्राम्स में और दूसरी प्रोग्राम्स में बड़े शौक से जाते हैं, लेकिन जहाँ पर इल्मी बात होती है वहाँ पर लोगों का थोड़ा सा रुझान कम होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तालीम का रेशो कम है। तो जो भी इस शोबे से वाबस्ता है, मैं समझता हूँ कि असल वो लोग हैं कि जो हमारे मुल्क को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुल्क को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक तालीमी शऊर और ये इंसान के अंदर इस तरह का पॉलिश्ड बंदा तब होता है कि जब वो इल्म के साथ होता है। और आपने देखा कि ये यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर जो लेबर तबका है, ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, वो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर इस स्कूल में इंतहाई मुनासिब फीस रखी गई। मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और अल्लाह करे कि इनको देखते हुए दूसरे जो स्कूल के मालकान हैं वो भी अपने स्कूल की फीसेस और एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं उसमें थोड़ी रियायत करें, ताकि हमारे जो गरीब आवाम हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ पर सराउंड में मज़ाफ़ती इलाके भी हैं शहरी इलाकों के साथ साथ, तो वो बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। वो बच्चे भी हमारे मुल्क के मेहमान हैं, वो बच्चे भी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हम नहीं चाहते कि वो लोग, वो बच्चे कल को गलियों में या खुदा ना खास्ता किसी बुरी एक्टिविटीज़ में हों। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तकरीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इनके ऊपर और अपने आप पर कि यहाँ पर मुझे इस तकरीब में खिताब का इन्होंने मौका दिया। तो मैं तमाम बच्चों को और स्कूल की इंतज़ामिया को सलाम पेश करता हूँ और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब लोगों का और जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार करते रहे और हमें जो है वो आने में ताखीर हुई। एक और प्रोग्राम में भी जाना था, लेकिन इनके प्यार ने और इनकी मोहब्बत ने हमें जो है वो थोड़ा मजबूर किया कि हम लोग यहाँ पर रुकें और आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया।